हाय डियर फ्रेंड्स, एच बी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है आप लोगों का। आज अपन वर्चुअल स्कूल के बारे में इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। वर्चुअल स्कूल क्या होता है, कैसे पढ़ाई होती है, एग्जामिनेशन कैसे होते हैं। बहुत खुशखबरी की बात है दोस्तों आप लोगों के लिए, जिन लोगों ने अपने दो वर्ष एक वर्ष गंवा चुके होंगे पढ़ाई में, तो आप इस प्रकार के स्कूल में एडमिशन ले लीजिए। ये छत्तीसगढ़ राज्य ओपन के द्वारा संचालित होगा। ये देखिए लिखा हुआ है, ऑफिशियल लेटर भी दिखाऊंगा आप लोगों को। छत्तीसगढ़ में वर्चुअल स्कूल छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के द्वारा संचालित किया जाएगा। पूरा वीडियो को ध्यान से सुनना है, किस प्रकार एडमिशन लेंगे, कहाँ से एडमिशन लेंगे, है ना, कितना फीसेस लगेगी, है ना, एग्जामिनेशन कैसा होगा, ये सारी बातों को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, है ना। वीडियो स्किप नहीं करना है, सिर्फ 5 मिनट का वीडियो है, ध्यान से सुनते जाएंगे। इसका ऑफिशियल लेटर भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। वर्चुअल स्कूल क्या होता है पहले इसको समझ लीजिए। वर्चुअल स्कूल जो है एक ऑनलाइन स्कूल है। ये दिल्ली सरकार के द्वारा लागू किया गया है। कोरोना महामारी को देखते हुए गवर्नमेंट ने, है ना, बच्चे स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं, इस कारण सरकार ने इस योजना को लागू किया है। इस सत्र 2021 से हमारे छत्तीसगढ़ में ओपन स्कूल जो सेंटर होता है वहाँ से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसमें फॉर्म ऑनलाइन भरना है, एडमिशन के लिए ऑनलाइन परीक्षा होगा, सब कुछ ऑनलाइन होगा, आपको सेंटर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे मजे की और खुशी की बात है कि आपको स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पेपर भी ऑनलाइन ही होगा, जो भी आप असाइनमेंट बनाएंगे उसको PDF फाइल बनाकर सेंड कर देंगे, यानी कि हर चीज़ एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन, है ना। इसमें एडमिशन प्रोसेस क्या है, कैसी होगी, वो सारी बातों को मैं इसमें बताने जा रहा हूँ। इसमें देखिए रेड कलर में सब लिखा हुआ है दोस्तों, आप पढ़कर भी इसको समझ सकते हैं, है ना। कक्षा 9वीं, इसमें एडमिशन जो है कक्षा 9वीं से 12वीं तक एडमिशन लेंगे। कक्षा 9वीं से 10वीं में हिंदी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान जो 6 सब्जेक्ट होता है वो 6 सब्जेक्ट सारे रहेंगे दोस्तों, ठीक है। 11वीं 12वीं में आर्ट, कॉमर्स, साइंस, मैथ्स, ये आर्ट में जिनको आर्ट पढ़ना है वो आर्ट पढ़ सकते हैं, यानी कि इच्छा अनुसार परसेंटेज का कोई वो नहीं, आप इच्छा अनुसार कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसकी सारी पढ़ाई ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से होगी। ये सारी बातों को अपन क्रम से लाइन से समझते हैं, है ना। तो आइए लाइन से इसको मैं समझा देता हूँ थोड़ा। देखिए यहाँ से वो तो ऑफिशियल ये लेटर है, है ना, लेटर बना हुआ है वो है, मैं इसको ऐसे लाइन से समझाऊँगा। देखिए फटाफट जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। वर्चुअल स्कूल छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल से अटैच है, है ना। कक्षा 9वीं से 12वीं तक ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं। ऑनलाइन एडमिशन कैसे लेना है, ठीक है, उसको भी मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। 9वीं से 12वीं तक ऑनलाइन पढ़ाई होगा, यानी टोटल ऑनलाइन पढ़ाई होना है। इंटरनेट के माध्यम से आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, मोबाइल के द्वारा इंटरनेट में कहीं पर भी, जो भी इंटरनेट का साधन है उससे आप वीडियो से पढ़ सकते हैं। परीक्षा ऑनलाइन असाइनमेंट से होगा, ठीक है। कोर्स को 10 इकाई में विभाजित किया गया है जो भी है, और कोर्स को कम भी कर दिया गया है। जितना कोर्स जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल होता है सीची बोर्ड, उसी का ही कोर्स है, है ना, वही विषय है, उसको कोर्स को कम कर दिया गया है, थोड़ा लो कर दिया गया है, है ना। कोर्स को 10 इकाई में विभाजित किया गया है, 10 यूनिट बोल सकते हैं आप, 10 यूनिट का 10 असाइनमेंट प्रति महीना होगा दोस्तों, ठीक है। और ये जो है आपको ऑनलाइन ही, है ना, घर पे ही बैठकर कॉपी में जैसे असाइनमेंट बनाते हैं वैसे ही बनाकर, है ना, ठीक है, फ़ोटो खींचकर PDF बनाकर भी जमा कर सकते हैं, या तो सेंटर्स में यदि सुविधा है सेंटर में भी जाकर जमा कर सकते हैं। 9th-10th में 6 विषय CGBSE की तरह होगा। देखिए ये छठवां पॉइंट है, 9th-10th हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, 6 सब्जेक्ट लेना अनिवार्य है। 11th-12th विषय आर्ट, कॉमर्स, बायो, मैथ्स ले सकते हैं। 9th में प्रवेश के लिए 8वीं पास होना चाहिए, है ना, 8वीं पास होगा या तो 9वीं फेल होगा तभी 9वीं में प्रवेश होगा। इसी प्रकार 10वीं में प्रवेश के लिए 9वीं पास या तो 10वीं फेल होना चाहिए। 11वीं में प्रवेश लेना है किन्हीं को भी तो 10वीं पास या 11वीं फेल होना चाहिए, चाहे बोर्ड कोई भी हो, कहीं से भी आप पढ़ के आए होंगे, है ना, आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है। 12वीं प्रवेश के लिए 11वीं पास या 12वीं फेल होना चाहिए दोस्तों,
है ना, मैंने सारे बातों को इस प्रकार से बता दिया। देखिए इसमें बहुत सारे बातों को लिखा भी गया है ना। एक इकाई पूरा करने के बाद ही दूसरे में एक्सेस, यानी कि एक इकाई कंप्लीट हुआ वीडियो के माध्यम से, उसका असाइनमेंट बच्चे जो है जाकर जमा कर देंगे या तो पीडीएफ फाइल भेज देंगे, ये कंप्लीट। उसके बाद दूसरा यूनिट होगा, दूसरे में भी असाइनमेंट होगा। ऐसे विद्यार्थियों को मिल पाएगा प्रवेश। ये दिशा निर्देश है दोस्तों, जिसको मैं नीचे में पॉइंट वाइज बना दिया हूँ। इसका पीडीएफ फाइल आप जो है डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके घर में आराम से बैठ के पढ़कर उसको समझ सकते हैं। ये समझ में नहीं आया बच्चों को, इसलिए मैं इस मेरे को इसको वीडियो बनाना पड़ा। तो आगे देखिए यहाँ पर इसके बाद है, ये पॉइंट आप शायद समझ गए होंगे है ना, जो नवीं में जिनको एडमिशन लेना है उनको आठवीं पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और फॉर्म भी ऑनलाइन ही भरना है, कक्षा नौवीं दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं इनका फॉर्म आपको ऑनलाइन सबमिशन करना है, आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद आप ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे, एक महीने के बाद असाइनमेंट आएगा, उस असाइनमेंट को लिखकर पीडीएफ बनाकर सेंड कर देंगे। ये होता है ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन यानी आपको स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ठीक है। या मोबाइल में ही वर्क दिया जाएगा है ना, ईमेल के द्वारा या व्हाट्सएप में भेजा जाएगा आपके नंबर से। उस क्वेश्चन को आपको मोबाइल में ही बैठकर क्लिक कर करके, ऑप्शन वाला कुछ क्वेश्चन रहेंगे या लिखित वाला तो नहीं रहेगा, ऑप्शन वाला है, उसको आपको क्लिक करके भेजना है। बारहवीं में प्रवेश के लिए सब्जेक्ट का कोई बाध्यता नहीं है, यानी 101% आपका पास होने का चांसेस ज़्यादा है। और इसका एक गारंटी और बता देता हूँ, जो छत्तीसगढ़ बोर्ड होता है सीजी बोर्ड है ना, जितना मान्यता है उसका है ना, जैसे कि दसवीं में हम 80% 60% ला लेते तो कहीं जॉब लग जाता है, उतना ही महत्व इस सर्टिफिकेट का रहेगा, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि ये ओपन परीक्षा की तरह है, ओपन परीक्षा से थोड़ा अलग है, और इसमें आप लोगों को 101% आगे चलकर ये सर्टिफिकेट काम भी आएगा है ना। ऐसा नहीं सोचना कि सर्टिफिकेट ये ओपन स्कूल का है तो काम नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, सभी सर्टिफिकेट इसका मान्यता प्राप्त रहेगा। प्रत्येक विषय में 10 यूनिट के लिए 10 असाइनमेंट होंगे, असाइनमेंट में पास होने पर वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, यानी लास्ट में एक और एनुअल एग्जाम होना है दोस्तों। उस एनुअल एग्जाम में भी है ना, आप असाइनमेंट में पास होना, आप तो घर में बैठकर उसको सॉल्व करेंगे तो सब पास होना ही है ना, फेल होने का कोई चांसेस ही नहीं है। पढ़ाई के लिए स्टडी मटेरियल पीडीएफ जो है आपको ऑनलाइन मिलेगा, संभवतः जुलाई से एडमिशन या जून महीने से, 15 जून से जुलाई अगस्त तक इसका एडमिशन चालू रहेगा। आपको एक महीने का समय रहेगा, आप लोग जाकर बिल्कुल ऑनलाइन फॉर्म भरना कैसे होगा उसका भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं, ऑनलाइन इसका फॉर्म कैसे भरा जाएगा है ना, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सीजी बोर्ड का 70% कोर्स इसमें, 30% कोर्स को हटा दिए, यानी कोर्स भी बहुत सस्ता है ना। ओपन स्कूल में कहीं भी फॉर्म भर सकते हैं, सबसे बड़ा फ़ायदे की बात है, आप कहीं भी हमारे स्टेट छत्तीसगढ़ में कोई भी स्कूल में जाकर इसका फॉर्म भर सकते हैं। ओपन स्कूल होना चाहिए वो है ना, और ऑनलाइन होना चाहिए, ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है। ऑनलाइन परीक्षा होगी, ऑनलाइन पढ़ाई होगा, ऑनलाइन पीडीएफ दिया जाएगा, यानी सब कुछ ऑनलाइन होगा, कहीं पर भी ऑफलाइन नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन होगा, कोई परेशानी नहीं, 100% सब पास हो जाएंगे, कोई फेल नहीं होगा। इसीलिए मैंने नीचे में लिखा है, देखिए पॉइंट बनाकर, कि कोई भी विद्यार्थी फेल नहीं होंगे है ना, सभी पास होंगे, जल्द फॉर्म भरे, ठीक है दोस्तों। तो मैंने पॉइंट वाइज वर्चुअल स्कूल के बारे में आपको डिटेल बता दिया। वर्चुअल स्कूल एक ऑनलाइन स्कूल है जिसमें आपको स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं होती है ना, सब कुछ ऑनलाइन होता है, घर बैठे आपको पढ़ाई करना है इंटरनेट के माध्यम से है ना, जो भी माध्यम है नेट के माध्यम से ही आपको इसकी पढ़ाई करना है। पीडीएफ स्टडी मटेरियल भी फ्री में दिया जाएगा है ना, यानी सारा कुछ जो है ऑनलाइन ही होना है, ठीक है। तो ये वर्चुअल स्कूल बहुत लोग पूछे थे, ये क्या होता है वर्चुअल स्कूल, तो ये एक ऑनलाइन स्कूल है दोस्तों है ना, ठीक है, जिसमें हमको स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं होती, घर बैठे पूरा पढ़ाई स्टडी मटेरियल मिलता है और हम घर बैठे ही सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए।